कहते हैं तंदुरुस्ती हजार नेमत होती है और इसी नेमत को बरकरार रखने के लिए समाज सेवियों, जागरूक लोगों, नेताओं और संस्थाओं की ओर से मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाता है ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए चैम्बूर के ठक्कर बापा कॉलोनी में नरगिस दत्त फाउंडेशन की ओर से कांग्रेस के युवा नेता सुभाष भाले राव ने लोगों के लिए फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया। टीबी का चेकअप है, ब्लड चेकअप है पूरा, जिसमें सीबीसी, शुगर्स वगैरह उसमें है, कैंसर का है और पूरे मेडिकल में जो जो आता है उस तरीके से ये था। ये पूरी तरह नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है जो हमारे ये सम्माननीय नेता प्रिया दत्त जी की तरफ से, नरगिस दत्त फाउंडेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया हुआ है। सवेरे से इतना रश है, मेरे ख्याल से 200 के ऊपर पेशेंट्स अभी तक हो चुके हैं और काम तो मेरे ख्याल से 3-4 बजे तक चलने वाला है, तो लगभग मेरे ख्याल से 800-1000 तक लोग आएंगे। वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री व समाज सेवी पूर्व सांसद प्रिया दत्त ने इस मेडिकल कैंप का जायजा लिया। यहाँ मौजूद सभी लोगों ने इस फ्री मेडिकल कैंप की तारीफ की। राव साहेब यांनी हा खूप चांगला स्तुत्य प्रोग्राम घेतलेला आहे इथे आणि ज्या विभागामध्ये ही गरजच आहे इथे बऱ्याच, आणि अस्वच्छता वगैरे हे पण आपण बघतोच आहोत। सध्या महानगरपालिका जे भाजपा आणि याचं सरकार आहे तर त्यांचं म्हणजे राजकारण तिकडेच चाललेलं आहे, पण ज्या मूलभूत सोयीसुविधा पुरवल्या पाहिजेत लोकांना त्या पुरवतच नाही आहे। ते काम जे आहे ते काँग्रेस पार्टी करते। हॉस्पिटलमध्ये जाके पैसा खर्चा करणे से इधर फ्री में मेडिकल कॅम्प करके जो सुविधा सुभाष भालेराव ने और ये ट्रस्ट ने जो दी है उसके लिए सब लोग धन्यवाद दे रहे हैं। ऐसे ही कैंप आजू बाजू के जो झोपड़पट्टी है, स्लम एरिया ज्यादा है, वो एरिया में होना जरूरी है। ये कैंप लगने से हर आदमी इस कैंप में आता है, उनकी बीमारी उनको मालूम पड़ती है, उसके साथ ही साथ उनका इलाज होता है। इसके लिए मैं ये संस्था और खास करके मैं भालेराव साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। श्रीमती प्रिया दीदी यांच्या आशीर्वादाने आणि त्यांच्या म्हणजे महत्वाकांक्षी योजने अंतर्गत किंवा त्यांचं जे आहे ते याकरिता त्यांचं सदैव या जनतेवरती, या सुभाष भालेराव या कार्यकर्त्यावरती आणि आमच्यावरती बी सदा आशीर्वाद असतो, हात असतो वरती। एसटीव्ही न्यूज मुंबई।